What's up guys, I hope you are doing well. Welcome to Siri Educator YouTube channel. Today discuss to political science subject. आज हम नए subject को लेकर आए हैं political science, जो कि आपके exam के point of view से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. और इसमें हम बात करेंगे one liner questions की, one liner question की बात करेंगे हम इसमें. ये पूरा टॉपिक आपका वन लाइनर क्वेश्चंस, पूरा टॉपिक यानी पूरा सब्जेक्ट अभी तक आपने अच्छे से देख भी लिया होगा कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो भी अभी तक हमने टॉपिक कराए हैं सभी वन लाइनर आंसर एवं क्वेश्चन की फॉर्म में कराए हैं. और पॉलिटी का भी आपका ऐसा ही रहने वाला है. तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर. भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे. देखो इसमें लिखा हुआ है संविधान एक सामाजिक, कैसा, एक मिनट, सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज है. कैसा दस्तावेज है? सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज है. यह है, यह है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व के आदर्श पर आधारित है. क्लियर है? नेक्स्ट, यह मौलिक विधियों, नियमों तथा आधारभूत राजनीतिक सिद्धांतों का एक आलेख है. भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है. तो भारत का संविधान कैसा है? सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है. क्लियर है? यहां से क्वेश्चन बनेगा, संविधान कैसा? सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज है. तो यह है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित है. क्लियर है? ये जो मैं आपको लगा रहा हूं, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनेंगे. फिर संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति देने के पश्चात, यानी कब स्वीकृति दी गई? 26 नवंबर 1949 को. भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था. क्लियर है? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को. ये रहा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू, संपूर्ण देश में लागू हुआ था. फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है. किसको कहा जाता है? भारतीय अंबेडकर जी को. जस्ट अ मिनट. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का क्या कहा गया? जनक. क्लियर? संविधान को एक देश में लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उससे राजव्यवस्था कहते हैं. राजव्यवस्था किसे कहते हैं? संविधान को एक देश में लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, यानी कि संविधान को अपने देश में लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसे क्या कहेंगे? राजव्यवस्था. नेक्स्ट, राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक अवधारणा है. राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक अवधारणा है. नेक्स्ट, किसी भी राज्य में चार तत्व कौन कौन से? भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता विद्यमान होते हैं. क्वेश्चन बनेगा, राज्य में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? या फिर क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से राज्य के चार तत्व में कौन से शामिल नहीं है? तो आपको अच्छे से देखना है कौन कौन से तत्व हैं. एक तो भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार, संप्रभुता. क्लियर? अंडरस्टैंड? देखो, जब हम औपनिवेशिक राष्ट्र थे, औपनिवेशिक यानी कि ब्रिटेन के अधीन थे, तो हमारे पास भूभाग तो था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, परंतु संप्रभुता यानी सोवरेनिटी नहीं थी. मतलब अपने घर में रह के अपने घर के डिसीजन हम नहीं ले पा रहे थे, विदेश वाले ले पा रहे थे. इसलिए एक मतलब एक संप्रभु राष्ट्र बनने के लिए ये जो संप्रभुता है ना, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सॉरी सोवरेनिटी जो है ना, वो कंपलसरी है. क्लियर है? अभी तक हमने सामान्य परिचय जान लिया है किसका? राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान का. अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा के बारे में. किस बारे में? विकास यात्रा के बारे में. क्लियर? चलो, पहला टॉपिक आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट. क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट. मेरे प्यारे दोस्तों,
ये आपका अपना श्री एजुकेटर यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लेक्चर, अभी रिवीजन चल रहा है तो क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो रिवीजन के हिसाब से आपको प्रत्येक लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही इसकी प्रत्येक लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा जा रही है, और टेलीग्राम का लिंक आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट से क्या झलकता है? रेगुलेट किए जाने के लिए एक एक्ट लाया गया, कब? 1773 में। पहला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, क्या है पहला क्वेश्चन? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट द्वारा रखी गई, यानी कौन सा प्रशासन? केंद्रीय यानी सेंट्रलाइजेशन की नींव किस एक्ट के द्वारा रखी गई? तो ये कौन सा एक्ट था भैया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। नेक्स्ट, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या? गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल। अब ठीक है, तो कौन सा एक्ट भैया? तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, किस एक्ट द्वारा बंबई एवं मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, क्या? कि किस एक्ट द्वारा बंबई एवं मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? मतलब कि पहले क्या होता था कि हमारे देश में, देखो ये हमारा प्यारा देश है, इधर बंगाल हो गया, इधर मद्रास हो गया, वो मुंबई हो गया, और इधर हो गया हमारा मद्रास, और यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, अब क्या किया, 1773 के एक्ट के दौरान मद्रास और बंबई को किसके अधीन? बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो यही बात बोल रहा है ये, किस एक्ट द्वारा बंबई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया? तो ये कौन सा है भैया? ये है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में बने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? ये बहुत पूछा जाता है, सर जॉर्ज इलिजा एम्पे, पूरा नाम है सर जॉर्ज इलिजा एम्पे। किसका? जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान एक कलकत्ता के अंदर 1774 में बनकर तैयार हुआ था, क्या? सर्वोच्च न्यायालय। तो उनके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है, तो सर जॉर्ज इलिजा एम्पे या सर जॉर्ज इम्पे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, किस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना बंद कर दिया गया? तो कौन सा है भैया? ये कह रहा है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया, तो किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। आई होप अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट है हमारा सवाल, किस एक्ट द्वारा पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया? मतलब कि किस एक्ट द्वारा पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में, अभी तक ये भारतीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, परंतु अब हस्तक्षेप करने लगे ब्रिटिश कैबिनेट। कौन? ब्रिटिश कैबिनेट कर रही है हस्तक्षेप, है ना? तो किस एक्ट द्वारा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सभी प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित थे? किस सिद्धांत पर आधारित थे? तो नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, 1773 के नियामक अधिनियम यानी रेगुलेट अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसके परिषद के कितने सदस्य थे? तो ये कितने थे भैया? चार। कहने का मतलब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो काउंसिल थी उसमें सदस्य कितने थे? चार सदस्य। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। क्या? 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम के बारे में बात करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, मतलब जब पहली बार एक्ट आया था तो उसमें कुछ कमी खामी रह गई थी, तो उसमें संशोधन कर क्या किया गया, 1781 का एक एक्ट लेके आया गया। नेक्स्ट है, इसमें पहला, किस अधिनियम को सेटलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को सेटलमेंट का अधिनियम कहा गया? तो 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम को क्या कहा गया? सेटलमेंट एक्ट, ये सेटलमेंट अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को नियम एवं विनियम विनियम बनाते समय भारतीयों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक, किस कौन से धार्मिक एवं सांस्कृतिक, भारतीयों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का प्रावधान किया गया? तो कौन सा था ये? 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम या फिर सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा पीट्स इंडिया एक्ट। क्या है? पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे अपना पहला क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा कंपनी के अधीन, किसके कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अभी तक क्या था, कंपनी के अधीन का क्षेत्र कंपनी अधीन ही था, परंतु अब कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है ना वो ब्रिटिश आधिपत्य के नाम से जाना जा रहा था, तो किस अधिनियम के माध्यम से? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के अधीन क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र जो थे वो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया या जाने जाने लगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस एक्ट द्वारा द्वेष शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस एक्ट द्वारा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा फिर से द्वेष शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड, कौन सा बोर्ड? 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अभी तक हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान पढ़ रहे थे, परंतु अब हम 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के दौरान 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कराई गई, इसके बारे में देख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें पहला सवाल है 1786 का अधिनियम कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दे दी गई? तो 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट है हमारा सवाल, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और उन पर और अपने निर्णय लागू करने अर्थात वीटो पावर का अधिकार दे दिया गया? किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को।
इसमें कहा कि कौन से अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने एवं अपने निर्णय लागू करने अर्थात वीटो पावर का अधिकार दिया गया, कौन सा अधिनियम है? तो यह 1786 का अधिनियम। क्लियर है? अब आएंगे हमारे चार्टर एक्ट। अभी एक छोटी सी बात समझो कि भाई अभी तक हमारे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, एक दूसरा आया 1781 का सेटलमेंट एक्ट, तीसरा आया हमारा 1784 का ट्रेड्स इंडिया एक्ट, चौथे बात कर रहे हैं हम 1786 का अधिनियम। ठीक है, इन चारों एक्ट में विशेष घटनाएं घटी। फिर आते हैं चार एक्ट के पश्चात यानी 1773 से 1786 के पश्चात चार एक्ट, उसके पश्चात आते हैं हमारे चार चार्टर एक्ट। अब चार चार्टर एक्ट कौन कौन से हैं, पहले याद रखो 1793, फिर प्रत्येक 20 साल पश्चात, फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट, फिर आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट, फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो ऐसे करके चार चार्टर एक्ट आए थे। कितने समयांतराल? दो चार्टर एक्ट के बीच का समयांतराल था 20 वर्ष, यानी प्रत्येक 20 वर्ष की अवधि में क्या आया, एक चार्टर एक्ट आया। टोटल कितने चार्टर एक्ट आए? चार चार्टर एक्ट आए थे। क्लियर? चलो अब चार्टर एक्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सब आपको। ठीक है, तो फिर आई होप आपको अभी तक का ये जो लेक्चर था ना समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए आप श्री एजुकेटर के साथ। आप सबका धन्यवाद।